हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है उससे स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। दरअसल करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में जिले में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए, तो वहीं सेक्टर 13 में रहने वाले 70 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। अब स्वास्थ्य विभाग इन नए 58 मामलों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटा है। ये सभी लोग जिले के अलग अलग इलाकों से जुड़े हैं। डॉक्टर मंजू पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, इसीलिए अब पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल जिले की स्थिति कंट्रोल में है। कोविड के हमारे पास 58 केसेस आए हैं टोटल, और कल शाम तक हमारे पास 1538 केस थे, जिनमें से 1157 जो हैं वो ठीक होकर घर जा चुके हैं, और 367 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं, और 14 डेथ्स हैं। हमें कल्पना चावला से इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक पेशेंट उनके पास कल रात को आया था इमरजेंसी में, जिसको कि टाइप 2 डायबिटीज था, और पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं थी। उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन थी जो वो ऑलमोस्ट 34% थी, और वो इमरजेंसी में ही रिपोर्ट किया था। तो इन्होंने उसके आने पे उसको इमरजेंसी में एडमिट करके कोविड की टेस्टिंग की और रिवाइव करने की कोशिश की, बट पेशेंट जो है उसकी रात को ही डेथ हो गई।